आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 2 समझेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, देन फिर क्वेश्चन समझेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले हम ये चीज पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब ये क्वेश्चन में बोला गया है दो एंगल्स हैं और दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही होता है कि अगर हम फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल को प्लस करें तो आंसर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब पहला एंगल कुछ भी हो सकता है, दूसरा एंगल कुछ भी हो सकता है, पर दोनों का सम 180 डिग्री ही होगा, ओके। दूसरी चीज उसने बोला कि जो लार्जर एंगल है यानी जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एग्जीड्स है, मतलब 18 डिग्री ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं बड़ा एंगल 50 डिग्री है, ठीक है, तो छोटा एंगल जो है वो 50 डिग्री है, तो जो बड़ा एंगल है वो 50 डिग्री प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, यानी 68 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो एंगल्स के बारे में बताना है कि लार्जर एंगल कितना डिग्री है और स्मॉलर एंगल कितना डिग्री है, ठीक है। और इसे भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले हमें इस क्वेश्चन को इक्वेशन में सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लेट्स कंसीडर लार्जर एंगल तो गिवन है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉलर एंगल इज एक्स, और लार्जर एंगल इज वाई। और ध्यान रहे आप लार्जर एंगल को भी एक्स कंसीडर कर सकते हो और स्मॉलर एंगल को भी वाई कंसीडर कर सकते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने स्मॉलर एंगल एक्स ले लिया और लार्जर एंगल वाई ले लिया तो आप लोग भी यही करो, नहीं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, पर ध्यान रहे दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इस वजह से आपको एक वैल्यू को एक्स लेना पड़ेगा और एक वैल्यू को वाई लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्योंकि उसने बोला दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो भाई एंगल एक्स को और एंगल वाई को प्लस करेंगे तो आंसर इज 180 डिग्री, इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। अब दोबारा से उसने एक बात बोली है तो फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो लार्जर एंगल जो है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो ये उसकी इक्वेशन बन गई, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन, ये हमारे दोनों इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 ये है तो इसको सेम एज सेम लिख लेंगे और फिर y की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे, x प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 18 डिग्री को उधर सेट कर देंगे, x x को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 162 डिग्री, x ये रखेंगे 2 नीचे ले जाएंगे तो x आ गया 2 8 10
अब इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना। तो ये है y इक्वल्स टू x है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो ये हो गया 819 और 819, तो ये हो गया 99 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि भाई साहब हमने स्मॉलर एंगल क्या लिया था x, तो स्मॉलर एंगल हो गया 81 डिग्री और लार्जर एंगल लिया था हमने y, तो लार्जर एंगल हो गया हमारा 99 डिग्री। दोनों एंगल हमें फाइंड करने थे, दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक